हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ मैं, शिक्षक भर्ती जो होने वाली है उनके लिए संभावित जो रिक्त पद है। कुछ दिन पहले मैं डाला गया था कि 13 तारीख तो हार्ड कॉपी में सभी स्कूल में जितने भी रिक्त पदे हैं खाली हैं, चाहे आपके हाई स्कूल में है चाहे आपके प्राथमिक शाला स्कूल में है, तो सभी स्कूल से मंगाया गया था, आदेश दिया गया था कि जितने भी स्कूल में जितना भी रिक्त पद है उस पर यहाँ पे 13 तारीख तक सभी हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करें। तो ये लगभग मंथली इतना वैकेंसी आने वाला है, ये जारी किया है आपके 4 मार्च को, इसको जारी किया गया है, देख सकते हैं ये 4 मार्च को इसको जारी किया गया है। तो हम देखेंगे तो कौन से ज़िले में कितना कितना वैकेंसी निकाला है। इसमें आपका व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक अलग अलग वैकेंसी है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और 2023 में बढ़िया सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का रोशन कीजिए। यही आपके पास वो चांस है जो आपके किस्मत बदल सकता है, तो इसलिए मन लगा के पढ़िए और अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए, 2023 में आपका जॉब पक्का लग जाएगा। तो कुछ दिन पहले भी मैं बताया था आप लोग को वैकेंसी आने वाली है, तो जिन लोग सीरियसली लिए होंगे तो उन लोग की तैयारी तो चल ही रहा होगा, बाकी देखने वाला देखते रह जाते हैं। यही है कि बढ़िया पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये मत देखिए कि इसका वैकेंसी कब आएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से तैयारी करते हैं, उसी का सिलेक्शन होता है। आप मान के चलिए आया है शिक्षा भर्ती और मान लो 1 महीने बाद पेपर किए, तो 1 महीने में आप निकाल लेंगे, सिलेबस इतना बड़ा रहता है कहाँ से निकाल पाओगे, इसलिए पहले से तैयारी करोगे तब जाकर आपके निकलता है। इसलिए पहले से तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम के पहले से तैयारी कीजिए, तब जाकर आपका पेपर निकलता है। तो इसलिए सीरियस रहिए लाइफ में और कोई भी जॉब के प्रिपरेशन करते हैं तो पहले से लग जाइए रहे, तभी जाकर आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से यहाँ पे जो शिक्षक रिक्त पद है यहाँ पे कितने कितने निकाली गई है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो वहाँ पे हम देखते हैं, पहला देखते हैं महासमुंद जिला। महासमुंद में जो व्याख्याता के लिए जो निकाली गई है 526 जो पोस्ट आपके व्याख्याता के निकाली गई है, और वहीं शिक्षक की बात करूँ तो 525 जो है आपके शिक्षक भर्ती है, और सहायक शिक्षक में आपका 1600 जो 20 है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। बलौदा बाजार के लिए बात करें तो आपका होगा दूसरा बलौदा बाजार में आपका 573 आपके व्याख्याता के लिए, और 709 जो वैकेंसी है आपका शिक्षक के लिए, और 710 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। तीसरा आते हैं गरियाबंद जिले में 674 आपके व्याख्याता के लिए, 610 जो है आपके शिक्षक के लिए, और 46 पोस्ट है आपके सहायक शिक्षक के लिए। रायपुर संभाग में देखते हैं तो 108 जो आपके व्याख्याता के लिए, 349 शिक्षक, 889 है आपका सहायक शिक्षक के लिए। और धमतरी में देखते हैं, धमतरी में 158 आपके व्याख्याता के लिए, और आपके 548 है आपके शिक्षक के लिए, और सहायक शिक्षक इसमें कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आई है, जीरो है इसको माने। कबीरधाम में 289 ये आपके कबीरधाम में है, कवर्धा में 925 आपके शिक्षक में, और 963 जो है आपके सहायक शिक्षक में निकाली गई है। बेमित्रा में देखते हैं, बेमित्रा में आपके 346 वैकेंसी में है व्याख्याता में, 549 आपके शिक्षक में है, 372 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। दुर्ग में 60 पद, 219 आपका 219 आपका शिक्षक के लिए निकाली गई है। तो 219 जो वैकेंसी है आपके शिक्षक के लिए निकाली गई है, ये आपका 60 आपके व्याख्याता के लिए, और 202 जो आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। बालोद नवा जो जिला है बालोद, 151 आपके व्याख्याता के लिए, 750 715 आपके सहायक शिक्षक
शिक्षक के लिए है और आपके 618 आपका सहायक शिक्षक के लिए है। राजनांदगांव 58 आपके व्याख्याता के लिए, 612 शिक्षक और 912 पोस्ट है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। 11वां देखते हैं मोहला मानपुर चौकी, जो हमारी एक नया जिला है, इसको याद रखिएगा, मोहला मानपुर चौकी हमारे नए जिला। 112 जो है आपके व्याख्याता के लिए निकाली गई है और 407 जो है सहायक शिक्षक के लिए, और ये आपके 112 है आपके व्याख्याता, 407 शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 616 वैकेंसी निकाली गई है। बिलासपुर संभाग में देखते हैं तो बिलासपुर में 28,363 आपके शिक्षक के लिए और आपका 1,336 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए है। 13 आपका मुंगेली में 291 आपके व्याख्याता शिक्षक के लिए, 330 और आपके जो 689 है आपके सहायक शिक्षक के लिए है। कोरबा में देखते हैं, कोरबा में आपका व्याख्याता के लिए 0 है, 810 आपके शिक्षक के लिए है और आपके सहायक शिक्षक के लिए 1,213 पोस्ट ये निकाली गई है। शक्ति में देखते हैं, शक्ति में 257 पोस्ट निकाली गई है आपके व्याख्याता के लिए, 421 आपके शिक्षक के लिए और 448 आपके सहायक शिक्षक की वैकेंसी है। जांजगीर चांपा जिले में आते थे 105 आपके व्याख्याता, 509 जो है आपके शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए आपके 786 पोस्ट इसके निकाली गई है। रायगढ़ में देखते हैं, रायगढ़ में 226 आपके व्याख्याता के लिए, 738 शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए 768। गौरेला पिंड मरवाही इसके लिए यहाँ पे 80 जो है इसके आपके व्याख्याता, 300 जो है आपका 18 जी आपके शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए 495 इसके लिए निकाली गई है। इसके बाद देखते हैं हम कांकेर में 253 व्याख्याता शिक्षक, 612, 666 जो है आपके सहायक शिक्षक है। नारायणपुर में 126 आपके व्याख्याता के लिए, 195 आपके शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए 534। कोंडागांव में 796 व्याख्याता, 802 आपके शिक्षक और 951 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। जगदलपुर में 321 आपके व्याख्याता के लिए, 612 जो आपके सहायक शिक्षक, 1981 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। अब आते हैं दंतेवाड़ा में 162 आपके व्याख्याता के लिए, 240 सहायक शिक्षक और 559 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। बीजापुर में 191 व्याख्याता और आपके शिक्षक के लिए 240, 170 है और आपके सहायक शिक्षक के लिए 1,042। सुकमा 237 व्याख्याता और शिक्षक के लिए 296 और सहायक शिक्षक के लिए आपके 1,210। कोरिया जिला में आपका 110 जो है आपके व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए 304 और सहायक शिक्षक के लिए 408 वैकेंसी निकाली गई है। बलरामपुर में 493 जो है आपके ये आपके व्याख्याता के लिए, 1,322 में शिक्षक, 1,322 जो है और सहायक शिक्षक 1,196 है आपके बलरामपुर में। इसके बाद देखते हैं जसपुर में, जसपुर में आपका 410 व्याख्याता शिक्षक के 187 और सहायक शिक्षक 1,099 पोस्ट। सरगुजा में आपका जो व्याख्याता का है आपका 0 है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, 716 आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक 855 पोस्ट निकाली गई है। सूरजपुर में आते हैं तो 223 व्याख्याता शिक्षक के लिए, 752, 1,057 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए। खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये आपके नई जिला है, 215 आपका व्याख्याता, 335 ये आपके शिक्षक के लिए
और 307 जो है सहायक शिक्षक के लिए है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये भी नया जिला है। तो 274 आपके व्याख्याता के लिए, 623 आपके शिक्षक के लिए, और लगभग 290 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए निकाली गई है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए 281 आपके व्याख्याता के लिए, 404 जो है आपके सहायक शिक्षक के लिए, आपके शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए 399 पोस्ट है, व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक। तो टोटल यहाँ पे 399 आपके निकाली गई है। तो देख सकते हैं सहायक संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ की ये ऑफिशियल वेबसाइट से इसको लिया हूँ। और कुछ इसमें आता है तो तैयारी में लग जाइए अभी से, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब, जो भी आप जिला में निवास करते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जितना वैकेंसी यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। तो बढ़िया तैयारी कीजिए और साथ ही साथ सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िएगा। सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया कि आपको सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस ही, सिलेबस से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ, सिलेबस को देख लीजिएगा, सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के निकाल लीजिएगा, उसके हिसाब से पढ़िए। बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, वो भी आंसर सही कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस पर मैं अलग से उसको वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैं इसका प्रीवियस ईयर को भी क्वेश्चन डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए बढ़िया और सिलेक्शन लीजिए। तो अभी से सिलेक्शन लेना है आपको, ऐसा रणनीति बनाइए और लग जाइए। तो देख सकते हैं अलग अलग ज़िले में जो वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसा लगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कुछ आपसे पूछना रहे तो कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, आपके आंसर मैं दे दूंगा। तो चलिए थैंक यू, शेयर भी कीजिए ताकि उन लोग भी अपने दोस्त यार अपने रिलेटिव को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।